नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिले के ताजपुर थाना अंतर्गत रामपुर महेशपुर गांव से होकर गुजरने वाली निर्माणाधीन फोर लेन सड़क के किनारे से गुरुवार 8 अगस्त की देर शाम संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर देखते ही देखते घटनास्थल पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर घटना की सूचना पर ताजपुर पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत युवक की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के चंदौली गांव निवासी प्रमोद चौधरी के 21 वर्षीय पुत्र अनुराग कुमार चौधरी के रूप में की गई है। एक घर घटना से आक्रोशित मृतक के ग्रामीणों ने ताजपुर बाजार में NH28 को जाम कर दिया। काफी समझाने बुझाने के बाद भी आक्रोशित लोग सड़क जाम समाप्त करने को तैयार नहीं थे। उधर घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का बताना है कि मृतक अनुराग कुमार चौधरी ताजपुर बाजार स्थित हाजी टीवीएस एजेंसी में काम करता था। करीब 1.5 माह पूर्व अनुराग ने हाजी टीवीएस एजेंसी में काम करना छोड़ दिया था। इसी बीच गुरुवार 8 अगस्त की दोपहर टीवीएस एजेंसी के 2 कर्मी घर पर आकर अनुराग को किसी पेडिंग काम को निपटाने का बोलकर अपने साथ घर से बुलाकर टीवीएस एजेंसी पर ले गए। जब काफी देर तक अनुराग घर वापस नहीं आया तो वह लोग करीब 3 बजे उसे देखने टीवीएस एजेंसी जाने लगे। इसी क्रम में अनुराग का शव रामपुर महेशपुर फोर लेन रोड के समीप कीचड़ से सना हुआ मिला, जिसके बाद मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया। इसी दौरान मृतक की बाइक व मोबाइल हाजी एजेंसी के पास से बरामद किया गया। वहीं मृतक के परिजन हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद देर शाम घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर एएसपी सहित डीपीओ सदर संजय कुमार पांडे ने बताया कि संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला है। 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की छानबीन जारी है। दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इसका मोबाइल छीन लिया, बाइक छीन लिया है, उसके बाद जाके वहाँ पे मार के डेड बॉडी फेंक दिया। तो ताजपुर बड़ा बाबू को कहीं से फोन आया तो वहाँ गए तो यही लड़का पाया गया, और उसके बाद जो है सो इसको यहाँ लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। 1 बजे और 1:30 बजे के आसपास अंगराग हाजी टीवी इसका 2 या 3 स्टाफ गया है इसको घर पर से, बोला है इंश्योरेंस करना है या कुछ करना है। ठग के ये काम छोड़ दिया था, इसको ठग के वहाँ से लेके आया है, और ठग के ले आने के बाद इसको मतलब वहाँ पे ले जाके मारपीट किया है। मारपीट करने के बाद जो है वहाँ जैसे पता चला विवाद कुछ नहीं है, इसके साथ वही काम कर रहा था, इंश्योरेंस ही देख रहा था, कोई विवाद इसके साथ मैनेजर एक है वो इसके साथ बदतमीजी बार बार करता था, इससे पहले भी किया है। ताजपुर थाना अंतर्गत एक चंदौली गाँव है जहाँ के अनुराग चौधरी रहने वाले हैं, और ये काम करते थे, टीवीएस शोरूम है उस एजेंसी में पहले काम करते थे। आज एक करीब 1 महीना पहले, 1.5 महीना के पहले ये दुकान पर से छोड़ दिए थे। आज टीवीएस शोरूम के मैनेजर और एक कर्मी जा कर के इनको घर से लाए और अपने दुकान पर लेके आए थे। उसके बाद उसके परिवार वाले चिंतित हुए, पुलिस सक्रिय हुई, और उसके बाद वहाँ से पुलिस एक्टिव हुई तो मालूम चला कि उस बच्चे के एक पुल के पास जो है विक्षिप्त अवस्था में पाया गया था। तत्काल इलाज किया गया, इलाज के दौरान में उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित परिवार से हम लोग ने, पीड़ित परिवार के जो मृतक हैं उनके ये भाई हैं, इनकी बात हम लोग समझे हैं, और पुलिस जो है प्रथम दृष्टया इस घटना को सत्य पाई है। मृतक का मोबाइल और मोटरसाइकिल टीवीएस शोरूम के पास बरामद किया गया है। CCTV में भी मृतक उस दुकान पर देखे गए हैं। तो जो अभी तत्काल में पुलिस जो 2 आदमी को लेकर गई थी, मैनेजर और एक स्टाफ कर्मी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अन्य पर छापामारी चल रही है। पीड़ित परिवार के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी उसके आगे के अनुसार अनुसंधान किया जाएगा और पूरी तरह से मदद की जाएगी।